दोस्तों, आजकल के लड़के बॉडी बनाने के लिए जिम में घंटों तक मेहनत करते हैं, इसलिए कई तरह के फूड सप्लीमेंट भी, अच्छी डाइट भी लेते हैं। लेकिन कई बार लड़के अपनी गलतियों के कारण बॉडी नहीं बना पाते, क्योंकि जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी बनने की बजाय बिगड़ने लगती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। अगर आप वर्कआउट करके अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दोस्तों, कई बार लड़के जाने अनजाने में, अक्सर ये देखा गया है, वर्कआउट करने के तुरंत बाद कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं। तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। वर्कआउट करने के तुरंत बाद में हमें 20 से 25 ग्राम प्रोटीन और 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आप याद रखें, वर्कआउट के तुरंत बाद अधिक मात्रा में फैट नहीं लेना है। प्रोटीन के लिए आप एक स्कूप बे प्रोटीन ले सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट के लिए एक केला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रोटीन आपके बजट में नहीं आता है तो आप उसकी जगह पर 6 एग व्हाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए आप 2 बॉइल्ड आलू भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वर्कआउट करने के बाद रोटी, चावल या दही, दूध आदि सामान खा लेते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाएगा। जब डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाएगा तो आप ऐसे में आपकी मसल की रिकवरी धीमी पड़ जाएगी और आपका वर्कआउट का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आप कसरत करने के बाद में 1 से 2 घंटे के बाद दूध, दही, रोटी, चावल खा सकते हैं। इसके अलावा आप हैवी वर्कआउट करते हो तो आप दिन भर में 4 से 5 छोटे बड़े मील ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट की उचित मात्रा होनी चाहिए। पानी पीने का भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, दिन भर में हमें 3 से 4 लीटर पानी धीरे धीरे करके पीना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, ऐसे फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।